हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया में कौन कौन सी पोस्ट है और उनकी क्या क्या सैलरी है। तो जैसे ही आप कोल इंडिया में एज ए एम टी ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं, तो किस किस पोस्ट पे आपके प्रमोशन होते हैं और उनकी कितनी कितनी सैलरी होती है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कोल इंडिया एक भारतीय कंपनी है और इसकी 8 सब्सिडरीज हैं, जैसे कि NCL है, MCL है, WCL है, BCCL है, ECL है, CCL है, SCCL है और CMPDIL है। तो 8 सब्सिडरीज हैं और ये आठों की आठ सब्सिडरीज अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह काम करती हैं। इनका अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि सबके अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग सबका CMD है। और इसके अलावा इन सभी कंपनीज को अलग अलग मिनी रत्ना का टैग हासिल है। तो ये कोल इंडिया से अलग एज ए, अगर इन सब सब्सिडरीज को मिला दिया जाए तो कोल इंडिया बनता है। और ये जो सब्सिडरीज हैं आपस में अलग अलग इंडिपेंडेंटली कंपनीज मिनी रत्ना की तरह काम करती हैं। तो आइए अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है और कौन कौन से आपके प्रमोशंस होते हैं और किस टाइम पे क्या सैलरी रहती है। तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हैं वो आपका जो ग्रेड होता है वो E2 होता है और उस पोस्ट का नाम होता है मैनेजमेंट ट्रेनी। तो फिर ये E1 क्या है? E1 जो डिपार्टमेंटली जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं जो प्रमोट होके जब वो ऑफिसर ग्रेड में आते हैं तो उनकी इनको जो सबसे पहली पोस्ट मिलती है वो E1 मिलती है और उसका जो बेसिक रहता है 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहता है। यानी कि अगर आप MT ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग E2 से होगी और आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो MT होगा, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी होगा। और ये तो फिर ये सीनियर ऑफिसर क्या है? सीनियर ऑफिसर जो ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंटली प्रमोट होके कैंडिडेट आए थे, जब वो E2 कैटेगरी में जाएंगे तो उनको जो नाम दिया जाएगा वो सीनियर ऑफिसर रहेगा। और इसकी जो इसका पे स्केल रहेगा वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहेगा। फिर इसके अलावा जो इसके अगली जो पोस्ट है वो आप जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो E3 मिलेगी और वो असिस्टेंट मैनेजर होगी, जिसका कि बेसिक 60,000 से लेके 1,80,000 तक रहेगा। फिर उसके अगला जो प्रमोशन होगा उसमें आपको E4 मिलेगा, जिसको कि बोलेंगे डिप्टी मैनेजर, और जिसका कि पे स्केल रहेगा 70,000 से लेके 2,00,000 तक। फिर उसके अगला जो प्रमोशन होगा वो होगा E5 में और उसको मैनेजर कहेंगे और वो होगा 80,000 से लेके 2,20,000 उसका पे स्केल रहेगा। फिर उसके अगला जो प्रमोशन होगा वो E6 होगा, जिसको कि सीनियर मैनेजर कहेंगे और उसका जो पे स्केल होगा 90,000 से लेके 2,40,000 होगा। फिर अगला जो प्रमोशन होगा उसमें जो पोस्ट मिलेगी उसको बोलेंगे E7, जो कि चीफ मैनेजर होगा और इसका जो पे स्केल रहेगा 1,00,000 से लेके 2,60,000 तक इसका पे स्केल रहेगा। फिर जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है E8, जिसको कि GM यानी जनरल मैनेजर बोलते हैं और उसका पे स्केल रहता है 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक। फिर जो अगला प्रमोशन होता है उसको ED या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे। ये पूरे कोल इंडिया में ये पोस्ट नहीं है, लेकिन ये पोस्ट है सिर्फ ISCM के लिए है, जो कि कोल इंडिया का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, उसके लिए ये सिर्फ पोस्ट है। तब इसके बाद E8 के बाद आप क्या कहाँ जा सकते हैं? आप डायरेक्टर बन सकते हैं शेड्यूल बी का मिनी रत्ना, यानी मिनी रत्ना को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल बी और शेड्यूल ए। तो अगर आप शेड्यूल बी के डायरेक्टर बनते हैं शेड्यूल बी मिनी रत्ना के, तो आपका पे स्केल ये रहेगा 1,80,000 से लेके 3,20,000 तक। फिर अगर आप CMD बनते हैं शेड्यूल बी कंपनी के, तो आपका पे स्केल ये वाला रहेगा 1,80,000 से लेके 3,20,000 तक। अब अगर आप डायरेक्टर बनते हैं शेड्यूल ए कंपनी के, तो आपका पे स्केल 1,80,000 से लेके 3,40,000 का रहेगा। और अगर आप CMD बनते हैं शेड्यूल ए कंपनी के, तो आपका पे स्केल ये रहेगा। अब ये सब प्रमोशन कब होते हैं? सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हो तो आप E2 में ज्वाइन करते हो, तो एक साल के बाद ही आपको जो मिल जाता है वो मिल जाता है E3। फिर उसके अगले जो प्रमोशन होते हैं वो टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं, वो प्रमोशन होते हैं हर 3 साल के बाद। ये टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं, यानी 3 साल या लगभग 3.5 साल के बाद ये प्रमोशन हो जाते हैं E6 तक, यानी कि सीनियर मैनेजर तक। लेकिन जब E6 से आगे प्रमोशन होने की बारी आती है, तब आपकी एक DPC फॉर्म होती है, जिसको कि डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी बोलते हैं,
उसमें आपके इंटरव्यूज होते हैं और कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रमोट किया जाता है E7 में, फिर E8 में। तो इसके बाद ये टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होते हैं, इसके बाद टाइम लगता है, टाइम लगता है और उसके बाद ये सब पोस्ट मिलती हैं। और ये जो इनके जो पे स्केल हैं, जैसे अगर हम बात करें E6 की मान लेते हैं, तो ये 90,000 इसका बेसिक है, ये इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा इसको जो और दूसरी चीजें हैं जैसे कि DA है, अलाउंसेस है, वो सब इसमें ऐड होके एक फाइनल सैलरी आएगी। फिर इस हम बात करते हैं डायरेक्टर और CMD की, कोई कैसे बनता है। तो ये जो डायरेक्टर और CMD की जो पोस्ट होती हैं, इसके लिए PESB यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सेलेक्शन बोर्ड में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके और उनके इंटरव्यू होते हैं, और फिर एक कंपनी का डायरेक्टर या CMD किसी को बनाया जाता है उनके द्वारा। तो इन पोस्ट पर पहुंचने के लिए जो GM लेवल के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और फिर क्या होता है कि उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं PESB के द्वारा, और फिर डायरेक्टर या CMD लोग बनते हैं। तो यहाँ तक ये टाइम बाउंड प्रमोशन है। उसके अलावा जो प्रमोशन होते हैं वो फिर डिपेंड करते हैं आपकी सब मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो DPC आपका एक इंटरव्यू लेती है, तो आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उस सब पे ये डिपेंड करते हैं कि आप कब कितने जल्दी इन पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।